अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल अर्निंग एंड लर्निंग हब में आप लोग को खुशामदीद। दोस्तों, आप लोग के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने लगा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं वो उनके लिए है, ठीक है। और जो लोग वेटिंग लिस्ट में है उनके लिए ये वीडियो है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो है वो किसी भी लम्हे को ज़ाया नहीं कर रहे आज़मीन हज के लिए, ठीक है। कि वो कभी जाते हैं सऊदी अरेबिया तो कभी जो है इधर जो सफ़ीर है उनसे मुलाकात करते हैं। ये एक ट्वीट आई है मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की ऑफिशियल वेबसाइट से और वो कह रहे हैं कि आज सऊदीया की जो सफारतखाना है उनका दौरा किया और सफ़ीर जो है नवाब सैयदुल मुल्क की उनसे मुलाकात की है, ठीक है। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादले ख्याल के एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी उमूर आफ्ताब अकबर दुरानी साहब भी उनके हमराह थे। मैंने मुतालबा किया कि हज अहराजात की तफसील जल्द अज जल्द फराहम की जाए ताकि हज इंतजाम को मुकम्मल शक्ल दी जाए। तो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हज पैकेज की बात तो कर रहे हैं लेकिन सीट्स की बात जो है वो कैबिनेट मीटिंग की बात करेंगे, ठीक है। वो कैबिनेट मीटिंग से पहले कुछ नहीं कर सकते, ऑफिशियल उनकी ये ऑफिशियल हैंडलर है, ठीक है, ट्विटर का। लेकिन वो हज की जो सीट है वो इसलिए बात नहीं कर रहे कि वो देख रहे हैं कि आने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं फिर वो शोर शराबा ना करे और अपरा तफरी ना हो, ठीक है। तो सीट्स जो है वो मुकम्मल आने वाली है, ठीक है, ये कंफर्म है। और जो हज पैकेज है वो भी कम से कम रखा जाएगा। तो आप लोग जो है कैबिनेट मीटिंग तक इंतज़ार करें या उनकी जो ऑफिशियल हैंडलर है वो भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं, लेकिन वो इसी तरह पब्लिक में सबसे पहले जो है कैबिनेट मीटिंग से पहले पब्लिक में कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें पूरा एक मीटिंग होने वाली है और इंतज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। पूरी एक शेड्यूल आप लोग के सामने रख दी जाएगी कि क्या क्या होनी है और किस तरह होनी है, ठीक है।